यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 12 लाख रुपए की कीमत की स्मैक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। इस साल की स्मैक की तस्करी की है बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशानुसार टीम ने यह कार्रवाई की है। इंचार्ज महावीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि हमीदा के पास एक युवक भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल अमित पंकज, संदीप, सुखविंदर सिंह व महिला पुलिसकर्मी पिंकी की टीम गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता नितिन कांबोज को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी की पहचान हमीदा स्थित आत्मापुरी कॉलोनी निवासी साहिल सूजा के नाम से हुई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें, इस साल की सबसे बड़ी स्मैक को लेकर टीम ने यह कार्रवाई की है। टीम लगातार इस नशे पर पकड़ने के लिए धरपकड़ की जा रही है, और इसके लिए हमारे एसपी साहब ने हमारी टीम को हौसला भी बढ़ाते हैं और सर्टिफिकेट भी वगैरह भी देते हैं, और जिसके तहत हमारी एएनसी की टीम ने देर रात्रि एक युवक साहिल नाम के युवक को पकड़ा, जिसके कब्जे से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो हमने हमारी टीम ने उसको साहिल नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसका भाई एहसान इस स्मैक को लाता था और आगे एहसान से पूछताछ गिरफ्तार करके एहसान से पूछताछ की जाएगी वो कहाँ चलाता था। इसने ये 300 ग्राम स्मैक आज तक की सबसे हमारी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रिकवरी है, और जिसकी यहाँ से जो इन्होंने बताया कि ये 4000 रुपये ग्राम बेचते हैं, जिससे अब जो उसकी कीमत 12 लाख के करीब बढ़ती है, और जो जहाँ से लाता था उसके बारे में एहसान बताएगा कि वो कितनी स्मैक लाता था और यहाँ कितने की बेचता था। हाँ, रोपी पर 6 मुकदमे पहले दर्ज हैं, जो 4 मामले पहले ही एनडीपीएट के दर्ज हैं। ये जमानत हो जाती है और जो हम जेल में जाते हैं उसके बाद 1-2 महीने लगा कर जमानत हो जाती है, जमानत के आने के बाद ये काम शुरू कर देते हैं।